डोंट माइंड एक बात पूछूं? पूछो। आपको कभी डर नहीं लगता? नसें हट गई हैं ये काम करते करते, डरने की उम्र चली गई। 2 साल से गाड़ी चला रहा हूं और तरह तरह के लोगों से वाकिफ हुआ हूं। कुछ लोग नशे में धुत होके गालियां देते हैं और कुछ लोग भागते रहते हैं। क्यों कर रहे हो ये काम? न जाने कब किसको कहां उठाना पड़े। आप भी तो कुछ ऐसे ही काम में जुटे हैं। वैसे एक खास वजह है जो मैं इस काम में अटका पड़ा हूं। आपने समंदर देखा है? हाँ, कुछ साल पहले। मगर क्यों? मैं किसी को जानता हूं जिसको समंदर देखने का बड़ा ख्वाब है। वो कभी इस शहर से दूर गया ही नहीं और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं पैसे इकट्ठे करने के लिए, ताकि उसे एक दिन लेके जाऊं और समंदर दिखा पाऊं। इसमें पैसों की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, तुम तो छुट्टी भी ले सकते हो ना, और अपने इस खास दोस्त के साथ आप यहां भी तो मिल सकते हो ना। हम इस शहर के अंदर नहीं मिल सकते। वो क्या है कि ये समाज, ये परिवार वाले हमें मिलने नहीं देंगे। सच कहूं तो इस शहर में दम घुटता है। मैंने भी ये काम एक ऐसे ही दोस्त के लिए शुरू किया था। लग ही रहा था, सिर्फ पैसों के लिए इतना खतरा कौन उठाता है। ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे भी उस टाइम लगा था कुछ साल रिस्क लेके पैसे कमा लूंगा और लाइफ सेट हो जाएगी। पैसे हैं तो लाइफ सेट हो ही जाती है। पैसों से आदमी अपनी आजादी खरीद सकता है। मैं समझ सकता हूं। क्या नाम था उसका? उसका नाम असलम था। फिर क्या हुआ? लोगों को पता चल गया? क्या बताएं, एक बार जो इस काम में लग गया तो प्यार से ज्यादा पैसों की लत लग जाती है। तब टाइम था लेकिन पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं लेकिन पैसों के चक्कर में वो टाइम नहीं रहा। बस यही रोक दो, ये लो पैसे। इतना काफी नहीं है। क्या चाहते हो तुम? आपको पता तो होगा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इतनी आसानी से ब्रीफ केस तुम्हारे हवाले कर दूंगा? बेवकूफ मत बनो, तुम्हें पता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है मैंने, एक बेटी कम होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। आप नहीं जानते मैं क्या करने को तैयार हूं। भैया क्यों ठग रहे हो? यहां पे इतना ही लगता है? कोई धर्म ईमान नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, ऐप में देख लो। भैया क्यों ठग रहे हो? वापस भी जाना है गरीब आदमी को, घर पे बच्चे भी तो है। इतने में नहीं चलेगा भाई। क्या मतलब है, क्या दे रहे हो आप? ये क्या बात कर रहे हैं यार, किस बात के पैसे मांग रहे हो ज्यादा? जितने दिए उसी में खुश रहो। अरे भाई आपकी वजह से इतने लंबे रास्ते आया बात करते करते, मुझे वापस भी जाना है। अब उसका पेट्रोल कौन देगा मुझे? मैं वैसे भी आपको ज्यादा पैसे दे रहा था। अरे अच्छा बोला, हम अच्छे खासे बात करते आ रहे थे और आप ऐसे गलत बात कर रहे हो, ये नहीं चलेगा भैया। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, दोस्ती यारी में सब चलता है, लेकिन पेमेंट के मामले में कुछ भी नहीं। मुझे पैसे दीजिए अपने बराबर। देखो भैया मैं थोड़ा और दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, इससे ज्यादा नहीं मांगना मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे अपनी पेमेंट बराबर चाहिए। क्या क्या चूतिया बना रहे? हट हट। देखिए मैं गाली बक सकूं लेकिन बक नहीं रहा हूं मैं, मुझे अपनी पेमेंट पूरी चाहिए। गाली देगा? हट 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 तेरी, हट हट तेरी। क्यों ऐसा?